हाँ, जब भी मैं निविया के लिए शूट करता हूँ तो वो फिट होना ही पड़ता है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो वो चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए एक रोल मॉडल सा बनूँ, यू नो, तो एक फिटनेस, हाइजीन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें निविया के साथ एसोसिएटेड हैं, तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, तो अच्छी बात है वो मुझे फिट होने के पैसे देते हैं। Yes, I think so. I think it is very, very important for anybody to smell good and to be aware of how they are smelling. And if they do are not smelling good, to be aware that they are not smelling good and to take correct precautions about it. Because it is, sometimes you get used to your own smell, but it is the other people who are suffering. And like as you saw in this new commercial that we've made, your own child, how it will react to you if you're not smelling good. And it's as simple as that. क्योंकि बड़े लोग तो अपना सांस बंद करके यू नो झेल सकते हैं थोड़ी बहुत, या मुंह से सांस ले लेते हैं, बच्चा तो चिल्ला के ही बताएगा आपको कि यार कुछ गड़बड़ है आपसे। अभी देखिए बहुत सारे नॉर्मल डिओड्रेंट्स आए थे, डिओड्रेंट जब आई थी तो इट वाज आई थी इसीलिए कि जो बैक्टीरिया, जो जिस तरीके के जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं जो आपके अंडर आर्मपिट्स में या जहाँ से भी आप स्वेट कर रहे हो ज़्यादा, वहाँ पर अगर आप आपका डिओड्रेंट अप्लाई करते हो तो इट काइंड ऑफ वॉज बैटलिंग दैट बैक्टीरिया एंड दैट जर्म्स। बट लोगों अब बोलते हैं कि आप डिओड्रेंट आपके शर्ट पे स्प्रे करो या फिर आप अपने कपड़े पे भी स्प्रे करो तो इट यू जस्ट स्मेल गुड। डिओड्रेंट्स आर नॉट देयर टू मेक यू स्मेल गुड, इट इज़ टू मेक श्योर कि आपसे गोरा बुरी बदबू ना आए, यू नो, तो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट। निविया डिओड्राइजर हैज टेकन इट टू अ स्टेप फॉरवर्ड कि अगर जो भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जहाँ पर यू नो यू आर स्वेटिंग एंड देर इज बैक्टीरिया दैट इज कमिंग इन, हाउ टू अटैक दैट एंड टू स्टॉप दैट एंड टू रिवर्स इट एंड टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट हैपन। तो यू कैन बी गारंटीड कि जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे कि दैट स्मेल का जो, अगर आप जो भी शर्ट भी पहना हो, जो जिस तरीके के भी कपड़े पहने हो, मटीरियल्स हो, रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट यू विल नॉट गेट बॉडी ओडर। See, I don't want to get into anybody's controversies or whatever as to what people, why they select brands. जब मैं अपने brands choose करता हूँ सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मैं खुद ये brand use करूँगा या ना use करूँगा, और उस हिसाब से I choose my brands. That's why I do few brands or brands that I use myself. और मैं I've been associated with Nivea for over 3 years now. This is my 3rd year with them and जितने भी उनके products हैं वो सारे मैं use करता हूँ, और वो मेरे घर पे भी हैं, मैं अपने दोस्तों को भी encourage करता हूँ to use them. In fact इनका जो नया shower gel निकला है बहुत ही कमाल का shower gel है, और मैं कहीं का भी shower gel today I can afford to go and buy, but I use the Nivea shower gel because I genuinely believe that it is one of the best shower gels I've used. You know, their face wash is absolutely fantastic. I've been using it for 3 years. Aur log bol rahe hain I'm looking younger, so that's good. Are you doing Rock-On or how is the progress of Lady going? One last question. Yes, I'm doing Rock-On too. We start shooting it in August, and I'm also doing Daddy. So Daddy ka kya progress in fact? Like abhi something? Wo chal rahi hai abhi, uski shooting, and it will go on till the end of the year. Thank you.